राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर शाखा का रविवार को जिला पंचायत भवन स्थित सभागार में वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। द्विवार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में दर्जा प्राप्त राजमंत्री विभ्राट सिंह कौशिक, पूर्व मेयर सत्या पांडे, विशिष्ट अतिथि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत, महामंत्री अतुल मिश्रा, संगठन प्रमुख के सचान मौजूद रहे। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। अधिवेशन में कर्मचारियों की समस्याओं और उनकी मांगों पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्व महापौर सत्या पांडे ने कहा, और इसीलिए मैं आप सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं साथियों, मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने समय अपने अपने विशेष अतिथि सत्या पांडे जी का आपको दिया था, क्योंकि मैं मेरा 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 विचार दूसरा था, आपका दूसरा था, लेकिन हमने आपका यही भूमिका लिए और हम अपने केंद्र आपके प्रांतिक के प्रांत के पदाधिकारियों तक जब अगर एक आधे घंटा 10 मिनट किसी कार्य योजना बनाए, जब तक कार्य योजना नहीं बनेगी निचले सतर पर आगे नहीं इनको पता भी नहीं चल पाएगा। आप लोगों की वजह से हम चाहते हैं कि अगर आप संघर्ष का ऐलान कीजिए तो बुलाइएगा, क्योंकि दिल की बात बहुत से लोग कह नहीं पाते हैं कि पहले ही उन्होंने कहा जो आपको आगाह करे वो आपका द्रोही नहीं होता है बल्कि वो आपका हितैषी होता है, तब आपका विरोध कर रहा है। देखो कोई कही जाए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ अगर कोई बात होती है तो मुझे फिक्रमंद हो जाना चाहिए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में सर मित्रों, मैंने भाई सुरुपेज जी को पुनः एक बार बधाई देता हूं कि संगठनों को आज आमंत्रित करने का काम किया है, बहुत ही अच्छा ही है, विभिन्न है उसी तरह वहां भी होने का अपेक्षा भी हम लोग करते हैं। राज्य कर्मचारी अधिवेशन है ये द्विवर्षीय और वहाँ मुझे आमंत्रित किया गया है। बहुत खुशी की बात है कि जब कर्मचारी संघ का कोई भी अधिवेशन होता है तो एक पारिवारिक सदस्य की भांति मुझे आमंत्रित करते हैं, और वास्तव में जब कर्मचारी एकजुट होकर कोई भी कार्य करते हैं तो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं, और ये होना भी चाहिए। एक माध्यम यूनियन जब बनता है, यूनिटी बनती है, और माध्यम का जो अध्यक्ष होता है, जैसे ड्राइविंग सीट पे एक ड्राइवर बैठ के पूरी गाड़ी को चलाता है, लेकिन पीछे उसका एक गार्ड भी होता है, उस गाड़ी को कायदे संचालित कर जगह जगह गियर बदलने वाला भी होता है, उसी तरह पूरी कार्य समिति एक बनती है और अपने कार्यों करती है। मुझे खुशी है कि जब मैं 5 वर्ष रही तो इन कर्मचारी संघ के साथ मैं मिलके बहुत ही काम किया था, यहाँ तक कि 20-22 साल डेली बेसिस वाले नगर निगम में और नगर पालिकाओं में कर्मचारी थे, उनके लिए मैंने उनको परमानेंट कराने का कार्य किया था, और उसमें खुशी की बात है कि 800 कुछ लोगों को मैंने अपने नगर निगम से उनको कागज़ भी दिलाया था, और ये सब लोग ये लोग जानते हैं, इसलिए मुझे आज भी ऑनर करते हैं और मुझे इसके लिए खुशी है। मैं अपनी शुभकामनाएं इन लोग के लिए देती हूँ कि जिस कार्य के लिए लोग चाह रहे हैं, देश हित का कार्य है, समाज हित का कार्य है, हम जनमानस का वो हित का कार्य है, इनका भी परिवार है, ये अपने परिवार के साथ अपना जब चलते हैं, अपना समय देते हैं, उसके एवज में ये लोग तनख्वाह भी पाते हैं, लेकिन जब रिटायर हो जाते हैं तो अभी आपने सुना है कि व्यथा एक कर्मचारी ने बताया, वास्तव में सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का जो ये लोग माध्यम रखे हैं बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। शुभकामना है कि इसमें इनको जीत मिले और खुश होके ये लोग आगे भी कार्य करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।